आशा है सबकी साधना अच्छी रही हो। तो साधना के विधि के बारे में अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो भी पूछ सकते हैं। आपके जो अभ्यास है, आपके जो अनुभव हो रहे हैं साधना करते हुए, तो इसके विषय में कुछ अगर पूछना चाहें तो उससे आरंभ कर सकते हैं। खासकर जिन्होंने अभी हाल में आरंभ किया है, आई थिंक सुजाता जी आपने एक रिट्रीट करा है शायद। अच्छा, मैं सबको अनम्यूट का वो देता हूँ, एक सेकंड। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं सब, तो ताकि लोगों का चेहरा देख सकूं तो समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके लिए उपयुक्त है कि नहीं। हाँ जी, तो सबसे पहले साधना के विधि के बारे में या आपके अभ्यास से जुड़ा कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे या इस साधना का दैनिक जीवन में क्या आपको, आप कैसे इसको उपयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इससे जुड़ा कोई प्रश्न अगर पूछना चाहें तो उसे आरंभ कर सकते हैं। राजू जी, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? मैंने ऑन तो किया, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है तो एक बार यस बता सकते हैं चैट में या अनम्यूट करके बता सकते हैं। मुझे तो नजर आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, देयर इज प्रॉब्लम फ्रॉम माय साइड। ओके ओके प्रोबेबली। मैं 2 मिनट और वेट करता हूँ, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो या फिर हम जो प्रतीत समुत्पाद की चर्चा कर रहे थे वापस उस पर जा सकते हैं। जाता जी, आपका शिविर कैसे रहा, कुछ बता सकते हैं? आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सुजाता जी? हो गए। अब हो गए, अब बोलिए प्लीज। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्कार। मैं थोड़ा सा शुरू में स्लो कर रही थी बिकॉज मैं रिलैक्स में ज्यादा टाइम दे रही हूँ। हेलो। हाँ जी, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो शुरू में थोड़ा मैं स्लो ही जा रही थी, एक वन जो स्पिरिचुअल फ्रेंड है उसके साथ में। जब तक मैं उसके साथ ठीक से नहीं कर पा रही थी तो मैंने वो मेडिटेशन उसी साधना उसी तरह से रखी, और कल के ब्रेक के बाद आज मॉर्निंग से मैंने 3 फ्रेंड्स के साथ करना चालू कर दिया है। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें या कोई सवाल है जो पूछना चाहेंगे? अच्छा नहीं सर, नहीं। लग रहा है। हाँ सर, ये एक एक्चुअली सॉरी, एक्चुअली इसीलिए मैंने स्लो ही रखा है बिकॉज शुरू में मेरा एक स्पिरिचुअल के साथ भी मैंने जैसे लास्ट टाइम पे आपसे क्वेश्चन करा था कि रिलेटिव्स को ले सकते हैं क्या, दैट टाइम यू सेड कि नहीं, तो मैंने अपने जो क्लासमेट है उसको चुना एंड देन आई स्टार्टेड टू डू दैट। वहां पे मैं जब धीरे धीरे सक्सेस होने लगी तो जैसे रिट्रीट चल रहा है तो हम लोग को 3 फ्रेंड्स को चूज करना था, तो उसमें मुझे थोड़ा मतलब अच्छे से एक्सपीरियंस आने लगा है। ठीक है, पर ये वाली जो आपको मतलब 15 अलग टाइप के लोग होंगे एक साथ आपने करना है, वो मतलब 3 दोस्तों के साथ अलग से एक सेशन नहीं करना है।
राइट सर, राइट सर, इसीलिए तो मैं स्लो ही कर रही थी, क्योंकि मैं एक स्पिरिचुअल के साथ भी थोड़ा थोड़ा डिस्टरबेंस के साथ हो रहा था. एंड फाइनली जब हम लोग ने कल से 8वें दिन से जो रिट्रीट था ना, 8वें दिन से तो 3 फ्रेंड्स को चूज करने के लिए कहा था, तो वो चूज करने में मैंने टाइम लिया. मैंने एक दिन थोड़ा 20 मिनट से बैठ के किया था, एंड फ्रॉम द टुडे मॉर्निंग आई कैन एबल टू टेक ऑल 3 टुगेदर एंड सेंड मेटा. तो वो मुझे हो, मतलब धीरे धीरे हो रहा है. ठीक है, मैं आपको इसके इंस्ट्रक्शंस एक बार बताऊंगा. ये एक या दो बार आप अभ्यास करेंगे तो उसमें आपका पूरा हो जाना चाहिए, सारे 15 लोगों के साथ. इसमें हमने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करा. हम क्या कर रहे हैं, अपने मन को धीरे धीरे, देखिए एक तो ये है कि अच्छा होना नहीं होना ये कोई ऐसे चैलेंज वाली बात नहीं है, कि मन में आपके विचार उत्पन्न होंगे, कुछ डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ये बहुत स्वाभाविक है. तो उससे आप अच्छे बुरे का अनुमान मत लगाइए. बस जहां तक आपके मन में एक जेन्युइन इच्छा जगा पा रहे हैं अपने और भेज पा रहे हैं अपने आध्यात्मिक मित्र के लिए, तो वो बिल्कुल ठीक है. दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूँ, जो आप दो चीजें कह रहे हैं ना, आप धीरे धीरे करना चाह रही हैं. एक तो जो 6 कदमों का प्रयोग करेंगे, तो 6 कदमों का प्रयोग आपको एक मतलब लय में करना है, एक रोल करते हुए उनको साथ में करना है. ऐसे नहीं कि एक एक कदम पे आप बहुत देर रुकें और कहें कि चलो अब मुझे रिलीज करना है, अब मुझे रिलैक्स करना है, तब तक नहीं अगले कदम पर जाएंगे जब तक पूरा रिलैक्स नहीं होता. तो ये धीरे धीरे आप करेंगे. एक ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार आप 6 कदमों का प्रयोग करें और बिल्कुल आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, जो विचार आपके मन में आया है, वो चले जाए. इसलिए हमारा आखिरी कदम जो है उसे रिपीट कहते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि वो दोबारा वही विचार आपके मन को दोबारा डिस्ट्रैक्ट करे. तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है. बाकी जो अदर पीपल हैं, 3 अन्य मित्र हैं, 4 परिवार के सदस्य हैं, 4 न्यूट्रल लोग हैं, और 4 जो जिनके साथ हमें थोड़ी कठिनाई का अनुभव होता है, तो ये सब लोगों को जो आप भेजेंगे मैत्री, तो ये एक या दो आप अभ्यास करेंगे तो इसमें आप आपको एक एक करके कंप्लीट करना है. बहुत ज़्यादा टाइम इनके साथ स्पेंड नहीं करना है. ये बस आपको आपके मन को थोड़ा और ओपन करना है, कि मतलब अपने अलावा क्या और लोगों के लिए भी हम एक जेन्युइन तरीके से अच्छी फीलिंग भेज पा रहे हैं, और क्या उसके साथ हम रह पा रहे हैं. तो ये हम बस अपनी केपेबिलिटी एक्सपैंड कर रहे हैं. तो इसके आगे और आपको और आगे अभ्यास के लिए बताया जाएगा कैसे करना है. तो इसको आप एक दो सिटिंग के अंदर आप कंप्लीट कर लीजिए. बाकी जो आपके गाइड हैं एक बार उनसे पूछ लीजिए इस पे, इस रिट्रीट पे. उससे ज्यादा समय आपको बिताने की जरूरत नहीं. ममता जी, आपने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए क्या कहना चाह रहे हैं. नमस्ते दिनेश जी. दिनेश जी, अब भी चले आ रही मैं वहाँ सारनाथ से, और बहुत अच्छा रहा कैंप मेरा. वो जो मन में एक जकड़न हो गई थी ना, क्रेविंग हो रही थी बहुत ज्यादा, वो सेवा से एकदम से रिलीज हो गई पूरी. तो बहुत रिलैक्स महसूस हो रहा है. मधुसूदन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद. वहां सब लोग बोल रहे थे आप बहुत हंसते हो, तो मैंने कहा कि मैं हंसने की साधना भी कर रही हूँ, इसलिए हंसते रहते करके. पर मन में वो जो एक पकड़ रही थी ना, मैं मेरा मेरा, वो एकदम से रिलैक्स हो गया पूरा. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी रही, और सेवा थी इसलिए बहुत बहुत सारी चीजें पता भी चली, कहाँ अपन गलती कर रहे हैं, अपना उठना बैठना, बोलना चालना. और ये अपने अकुशल कर्म थे इसलिए अपने को इतनी क्रेविंग हो रही थी. अब धीरे धीरे कर्म सुधर रहे तो समझ में भी आए कि कहाँ अपन गलत हो रहे थे, तो सारी चीजें समझ में आई. और विपसना भी हुई सर. कभी मैं अनापानी ज्यादा कर रही थी, विपसना तो करती ही नहीं थी, तो होती ही नहीं थी मुझसे. अभी पहली बार विपसना भी हुई तो बहुत अच्छा रहा. और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना ज्यादा सहयोग किया. मधुसूदन जी है सर लाइन पे, मधुसूदन जी. मधुसूदन जी नमस्ते. हेलो, नहीं है सर. हाँ है वो, मैं आई थिंक आज कुछ म्यूट अनम्यूट का खेल चल रहा है. हाँ, हो नहीं रहा था मेरा भी, अभी अनम्यूट नहीं हो रही थी. हाँ हेलो,
नमस्ते ममता जी। मधुसूदन जी बहुत बहुत थैंक्स आपको। और मैं कुछ ऐसा आपसे व्यक्तिगत भी कुछ पूछना चाहती थी, कुछ कुछ शब्दावली वहां ऐसे हमें बताया, मतलब बातचीत में पता चलती थी, तो वो एकदम टिपिकल है जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोची कि जब जाऊंगी तो आपसे जरूर पूछूंगी। तो मैं फिर आपको फोन करके आपसे बात करूंगी, इससे ठीक सब मतलब है साधना से संबंधित, लेकिन इस साधना से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा सबको, तो मैं बाद में आपसे फोन से पूछती हूँ। बाकी आपको बहुत बहुत थैंक्स। वो जो मन की क्रेविंग एकदम बन रहा था मुझे, वो एकदम से रिलैक्स हो गई मधुसूदन जी। और पूरे टाइम मैं मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, तो सब लोग बहुत वो कर रहे थे कि आप बहुत अच्छा स्माइल देते हो। चलिए अच्छी बात है। बस एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा, दो कि कोई भी आप प्रैक्टिस करें जी तो दो चीजें ध्यान में रखें। एक तो कोई भी विचार होता है या कोई भी स्पर्श उत्पन्न होता है जी उसके पीछे हमने नहीं जाना, जैसे हमने पहचाना हाँ, तो वो रिलैक्स कर रही थी सर, इसलिए तो वो रिलैक्स करेक्ट हो पाया कि छह उसको बार कदमों का बार प्रयोग रिलैक्स करना कर है। रही कभी थी मैं। हाँ भी ध्यान पे वापस आ रहे हैं तो छह कदमों का प्रयोग करना, बस ये जरूरी है आप हाँ वो बहुत ध्यान करें। रखा मैंने, जैसे ही टेंशन बढ़ रहा था तो उसको रिलैक्स कर रही थी, वापस आ रही थी, रिलैक्स कर रही थी, तो उससे वो चीज एकदम समझ हो मतलब बैलेंस में आ रही थी, वो कर पाई मैं अच्छे से उसको। चलिए अच्छी बात है। तो अब वापस आप मंगल मैत्री की साधना पर लौट रहे हैं। हाँ जी। नहीं मतलब किसी भी कोई भी आप ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जो है, जो साधना का आलम्बन है, वो ब्रेथ जी हो या कुछ हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मंगल मैत्री से वही बात है, जैसे आप मुस्कुराने की अभी बात कर रहे थे, है ना, हाँ तो हाँ उससे हमारा मन थोड़ा उत्कृष्ट रहता है, हल्का रहता है, खुश रहता है, हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीखने में भी वहां मुझे आसानी होती प्रैक्टिकली करने का चांस मिला सर, जो हमने यहाँ किया था वहां प्रैक्टिकली हमें समझने का चांस मिला मुझे, तो बहुत अच्छा उपयोग किया मैंने साधना का, मैं उन सब चीजों का, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत बहुत थैंक्स। है। अच्छी बात है, अभी आगे का कार्य करते रहिए, अभी कार्य जी खत्म जी जी नहीं सर, वो प्रति सम वो जो आप बता रहे थे वो खत्म हो गया क्या, वो चैप्टर प्रति नहीं नहीं एक्चुअली सम? लास्ट 2-3 बार काफी सारे नए लोग जुड़े थे, तो मैंने कहा कि भी ज्यादा थोड़े वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उनके लिए कॉन्सेप्ट, सो अभी अच्छा वहां अच्छा पे कैन कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन दैट। अच्छा 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 ठीक। मैं एक बार जस्ट वो एक बार इमेज ढूंढ रहा हूँ, एक बार वो रख लेते। मुझे हिंदी में एक ही इमेज मिला जो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तो अभी मैं शेयर करता हूँ। देख पा रहे हैं इमेज? हाँ, दिख रहा है सर। हाँ जी। तो ये प्रतीत समुत्पाद की हमने चर्चा करी थी 2-3 हफ्ते पहले, तो जी। ये क्यों, सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, सब लोग शायद थे नहीं उसमें, सुजाता जी मेरे ख्याल से अगर नहीं थे पहली डिस्कशन में, तो ये भगवान बुद्ध की शिक्षा में भी काफी इम्पोर्टेंस रखता है, और ये क्यों ये भी हम आगे समझेंगे, और कैसे हमारी साधना से भी ये जुड़ा हुआ है ये समझेंगे। तो भगवान बुद्ध ने ये बताया कि जो प्रतीत समुत्पाद को समझता है वो मेरा सिखाया हुआ, मेरी सिखाई हुई शिक्षा, मेरी सिखाई हुआ, मेरा सिखाया हुआ धर्म जो है वो समझ पाता है, और इसका जो विपरीत में कि जो मेरी दी हुई शिक्षा या मेरा सिखाया हुआ जो धर्म है वो समझ सकता है, वो प्रतीत समुत्पाद समझ सकता है। तो ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही फंडामेंटल या फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग है। प्रतीत समुत्पाद को अंग्रेजी में कहते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं, या फिर को डिपेंडेंट अराइजिंग कहते हैं। तो उसका एक हाई लेवल पे मैं बताऊं तो कैसे अलग अलग चीजों को के आधार पर और चीजों की निर्मिति होती है, या और चीजें कैसे उत्पन्न होते हैं, अलग अलग धर्म कैसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे जब मैं धर्म कहता हूँ तो उसका अर्थ है फिनोमिना कि, और जब मैं भगवान बुद्ध की भी दी हुई धर्म की बात
करता हूँ, तो यहाँ पे धर्म ये नहीं है कि एक एक चीज, एक सेट ऑफ रूल्स है कि आपको ये फॉलो करना है, यही सही है यही गलत है, बल्कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जैसे हमारे फिजिक्स में लॉस होते हैं या अलग अलग इवन सोसाइटी में हम इंटरेक्ट करते हैं तो लीगल लॉस है, तो एक ये कह सकते हैं धर्म का जो है वो कैसे हमारे मन की प्रक्रिया होती है, हमारे जीवन का कैसे अनुभव निर्मित होता है, कैसे हम अलग अलग अनुभव हमारे मन में उपस्थित होते हैं, तो ये जो चीज है इसके जो अलग अलग अंश हैं, कैसे इनका आपस में इंटरेक्शन होता है और कैसे किस चीज के आधार पे क्या बनता है, ये सब जो इसकी एक समझ है, इसका जो एक ज्ञान है, इसकी जो एक विधि है जिस तरीके से चीजों का आपस में इंटरेक्शन होता है और हमारे एक्सपीरियंस उससे बनते हैं, तो इसी को धर्म कहते हैं भगवान बुद्ध की। ये मतलब दो तीन अलग अलग अर्थ हैं, इसकी जो शिक्षा है उसको भी धर्म कहा जा सकता है, और पर और जो फिनोमेना है, जिस जो अलग अलग चीजें हो रही हैं जिसका विवरण है, जिसकी प्रक्रिया का विवरण है, उसे भी धर्म कहा जा सकता है। लेकिन ये जो है प्रतीत समुत्पाद है कि हमारे सारे जो अनुभव होते हैं, एक मानव अनुभव होते हैं, वो कैसे इनका निर्माण होता है, इसकी एक समझ है, इसका एक उल्लेखन है कह सकते हैं कि क्या क्या अलग अलग मैकेनिज्म हमारे अंदर चलते हैं जिससे हम एक तरीके से एक क्षण में हमारा एक तरीके का अनुभव होता है, कभी खुशी का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस का अनुभव होता है, कभी कोई चीजें हम समझते हैं कि किसी चीज के बारे में नई चीज सीखते हैं या कोई अनुमान लगाते हैं या किसी चीज के बारे में ओपिनियन फॉर्म करते हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग फिनोमेना हमारे अंदर चलते रहते हैं और ये कैसे किन चीजों पे क्या आधारित है, ये बहुत जरूरी है कि ये आधार का जो तरीका बताया है, ये सिर्फ ये नहीं बताया कि रूल्स की ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसा इक्वेशन है वो ऐसे इक्वेशन है, लेकिन अलग अलग हमारे जो एक मानव अनुभव की जो निर्मिति होती है उसके अलग अलग अंश बताए हैं इस तरीके से कि एक अंश जो है वो दूसरे अंश पर कैसे आधारित है, और ये जो भगवान बुद्ध ने चार आर्य सत्य सिखाए हैं उससे भी जुड़ा हुआ है एक तरीके से। वहां पे क्या बताते हैं भगवान बुद्ध, कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख का अस्तित्व है, देयर इज सफरिंग इन लाइफ, और इस दुख का क्या समुदाय है, क्या ओरिजिन है, क्या आधार है उसका, वो बताते हैं, उसका आधार है कृष्णा या क्रेविंग से। और तीसरा जो सत्य बताते हैं कि तृष्णा की समाप्ति से दुख की भी समाप्ति मुमकिन है। और चौथा जो आदि सत्य बताते हैं कि अष्टांग मार्ग के प्रयोग से हम तृष्णा की समाप्ति कर सकते हैं। तो ये कैसे हमारी साधना से जुड़ा हुआ है इसकी थोड़ी बात, तो यहाँ पे भी जैसे जो अलग अलग फिनोमेना है, जो अलग अलग लिंक्स कह सकते हैं, इसको कड़ियां कह सकते हैं प्रतीत समुत्पाद के, ये अलग अलग कड़ियां ऐसी हैं कि हर एक कड़ी किसी और कड़ी के ऊपर आधारित होती है, और अगर उस कड़ी के आधार को हम कमजोर कर दें या उसको मिटा दें तो आगे वाली जो कड़ी है वो भी नहीं उत्पन्न होगी। तो जैसे पिछली बार एक चर्चा में मैंने कहा था कि अलग अलग आप एक अपार्टमेंट के फ्लोर समझ सकते हैं, अगर चौथा फ्लोर खड़ा है तो वो तीसरे दूसरे और पहले फ्लोर के आधार पर खड़ा है, इनमें से कोई भी हट जाए तो चौथा फ्लोर नहीं खड़ा हो सकता। तो इस तरीके से हर एक जो कड़ी है अगले कड़ी की का आधार बनती है, और नीचे जो आधार वाली कड़ी है अगर उसको कमजोर किया जा सकता है, उसको मिटाया जा सकता है, तो उसके ऊपर जो आधारित कड़ी है वो भी हट जाएगी। तो ये एक बहुत फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, समझने भी आसान है कि कोई किसी चीज पर निर्भर है और जो दूसरी चीज है उसको अगर हम हटा दें तो पहली चीज भी नहीं रहेगी, और यही कैसे हमारे पूरे मानव अनुभव की निर्मिति में योगदान करता है, इसका जो उल्लेखन है वो प्रतीत समुत्पाद है। मैं एक बार सारी कड़ियां एक बार दोहरा देता हूँ और फिर इसका हमारे साधना से क्या लेना देना है ये समझाता हूँ, फिर एक एक कड़ी के ऊपर हम ज्यादा डीपली डिस्कस कर सकते हैं, आज हो पाता है तो अच्छी बात है, वरना अगले सत्र में कर लेंगे। सबसे पहली कड़ी यहाँ एक साइकिल की तरह दिखाया गया है, लेकिन आप इसको जरूरी नहीं आप साइकिल की तरह समझें, सबसे पहली जो कड़ी है वो
अविद्या या अज्ञान है, और बाकी सारी जो कड़ियां हैं इसके ऊपर आधारित हैं। और ये जो कड़ियां हैं ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक के ऊपर एक एक आता है और बिल्कुल इंडिपेंडेंटली दूसरे से चलता है, सारी कड़ियां एक दूसरे के ऊपर असर करती हैं, सारी कड़ियां एक दूसरे को बदलती रहती हैं। कैसे, मैं थोड़ा भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले एक एक कड़ी से गुजरते हैं और फिर उसके बाद इनका इनकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली कड़ी है अविद्या या अज्ञान। अविद्या या अज्ञान के आधार पर संस्कारों की निर्मिति होती है, संस्कार के आधार पर विज्ञानों की निर्मिति होती है। अगर संस्कार ना हो तो विज्ञान भी नहीं रहेंगे। विज्ञान के आधार पर नाम रूप की निर्मिति होती है, नाम रूप के आधार पर छह आयतनों की निर्मिति होती है, छह आयतनों के आधार पर स्पर्श की निर्मिति होती है, स्पर्श की आधार पर वेदना की निर्मिति होती है, वेदना के आधार पर तृष्णा की निर्मिति होती है, तृष्णा के आधार पर उपादान की निर्मिति होती है, उपादान के आधार पर भव की निर्मिति होती है, भव के आधार पर जाति या जन्म की निर्मिति होती है, और जाति के आधार पर जरण मरण, जरा मरण और दुख, इन सब की निर्मिति होती है। तो एक बार यहाँ पर हमारी ये जो कड़ियाँ हैं ये समाप्त हो रही हैं। जैसे मैंने कहा था, ये इसको साइकिल की तरह सोचना यूजफुल है, लेकिन हमेशा साइकिल ऐसे नहीं समझे कि अच्छा इसके ऊपर अब जरण मरण के ऊपर अविद्या का आधार बनता है। ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे को असर करती हैं, लेकिन जो आधार का जो इनका इनके बीच में रिश्ता होता है, तो अगर एक कड़ी दूसरे पर आधारित है और वो दूसरी कड़ी अगर हम उसको कमजोर करें या मिटा दें, तो पहली कड़ी भी कमजोर हो जाएगी या मिट जाएगी। तो ये हमें जरूरी है समझना। तो अब एक एक करके इन कड़ियों के बारे में समझते हैं, ये क्या कड़ियां हैं, और फिर इनका हमारे साधना से क्या लेना देना है उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, तो जन या जाति जिसे कहते हैं, और ये जो प्रक्रिया है, ये जो कड़ियां हैं प्रतीत्य समुत्पाद की, ये केवल ये अलग अलग आप इसको स्केल पर समझ सकते हैं, ये एक जीवन के स्केल पर समझ सकते हैं कि कैसे एक पूरे जीवन की निर्मिति होती है, या आप हर क्षण में जो आपका अनुभव होता है उसके स्केल पर भी समझ सकते हैं कि कैसे हर एक क्षण में जो भी आपका एक अनुभव हो रहा है वो कैसे निर्मित होता है। तो जैसे मैं बता रहा था, तो जाति या जन्म के आधार पर जरा मरण या बुढ़ापा और मृत्यु, इसके अलावा दुख, पीड़ा, दर्द, अलग अलग इसके काफी आप जो भी सफरिंग से रिलेटेड जो अलग अलग वर्ड्स आप सोच सकते हैं कि मतलब दुख हो या शोक हो या दर्द हो या पीड़ा हो, ये सारी चीजें जाति या जरण मरण के आधार पर उत्पन्न होती हैं। जरा मरण जो आप समझ सकते हैं, बुढ़ापा या उम्र बढ़ना और उसके साथ जो अलग अलग तकलीफें आती हैं बदन में या मन में, कि कई चीजें समझ नहीं पाते हैं, विज्ञान हमारे कमजोर होने लगते हैं, चुस्ती कम होने लगती है, ऊर्जा हमारे अंदर कम होने लगती है, हमारे जो अंश हैं शरीर के वो कमज़ोर होने लगते हैं, या ठीक से उनका जो पुनर्निर्माण होते रहता है वो ठीक से नहीं हो पाता है। मृत्यु भी हम समझते हैं कैसे एक व्यक्ति का की मृत्यु हो सकती है। तो ये हमारी आखिरी कड़ी है, जरा मरण। इसके पहले जो हमारी कड़ी है वो है जाति। जाति जो है ये हमारी किसी भी एक कर्म के जन्म के लिए भी कह सकते हैं, या किसी एक व्यक्ति या एक जीव के जन्म के लिए भी इस कड़ी का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे साधना में की समझ बढ़ाने के लिए हम एक इसको एक एक हमारे मानसिक, शारीरिक या एक
उच्चारिक एक कर्म का जन्म जो होता है उसकी तरह हम इसको देखेंगे। तो एक बार मैं एक्चुअली ये इस तरीके से बताने की जगह मैं आपको आपकी साधना से जोड़ के थोड़ा बताता हूँ, ये शायद थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो साधना में जैसे मैंने कहा कि कई बार हम देखते हैं कि हमारा हम एक साधना का आलंबन लेकर शुरू करते हैं कि अपने आध्यात्मिक मित्र को भेज रहे हैं या अन्य व्यक्ति को भेज रहे हैं या सारे जीवों को हम मंगल मैत्री की भावना भेज रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम देखते हैं कि हमारा ध्यान जो है वो किसी विचार में भटक गया। तो या तो ये हमारे दैनिक जीवन से कुछ जुड़ा हुआ हो सकता है या हम भविष्य के बारे में कुछ सोच रहे हैं उसे जुड़ा हो सकता है या हम हमारे अतीत के बारे में सोच रहे हैं, हमारे पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, इससे जुड़ा हो सकता है। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में जुड़ा हो सकता है। वहाँ पे हम देखते हैं इस साधना में हम पहचानते हैं, छह कदमों का प्रयोग करते हैं, पहचानते हैं, उसे रहने देते हैं, मन में जो तनाव उत्पन्न हुआ है उसको ढीला करते हैं, वापस मुस्कुराते हैं और अपने ध्यान को वापस साधना के आलंबन पर लाते हैं, फिर उसे बरकरार रखते हैं। तो लेकिन ये विचार उत्पन्न कैसे हुआ और वहाँ पे हम पहुँचे कैसे, तो इसका जो अगर ये हम देख पाए कि हमारा विचार जो भटक गया, जो हम एक चीज़ सोचने लगे, उससे पहले कैसे हुआ। एक समय था जब हम साधना के आलंबन से जुड़े हुए थे, हम अपने मित्र को या जो भी हमारा साधना का आलंबन था उसको मंगल मैत्री हम भेज रहे थे और फिर हमें कुछ देर बाद ये अनुभव ये समझ में आया हमें कि हम किसी और चीज़ के विचार में भटक गए। तो ये हमारा ध्यान यहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा, तो इसकी प्रक्रिया है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक स्पर्श होता है। स्पर्श जो होता है ये तीन चीज़ों के साथ आने से होता है, जो कि हमारे इसमें भी हमें समझ में आएगा कि कैसे हमारे प्रतीत समुत्पाद की कड़ियों में भी जुड़ा हुआ है। तो छह आयतन क्या हुए हमारे, छह आयतन हुए हमारे आँख, कान, नाक, जबान, जीभ यानी जो टेस्ट कर सकते हैं, टंग कह सकते हैं, हमारी त्वचा और हमारा मन, मन में भी क्योंकि विचारों का स्पर्श होता है। तो ये हमारे छह आयतन हुए। छह आयतन जो हैं उसमें से कोई एक आयतन हम ले सकते हैं, जैसे हम किसी ध्वनि से लेकर अगर हम शुरू करें कि अगर किसी ध्वनि से आरंभ हो या फिर हम किसी विचार से आरंभ कर सकते हैं कि कोई एक विचार का स्पर्श हमारे मन में हुआ और वहां से हम कैसे आगे इस प्रक्रिया में बढ़ते गए। तो मन को अगर हम आयतन लेते हैं, एक विचार का उदाहरण ले सकते हैं कि अच्छा कल मुझे ये काम खत्म करना है, बहुत दिन से अटका हुआ ऐसे कोई काम मान लीजिए आपके रहा हो, तो सबसे पहले एक विचार जो है वो हमारे मन रूपी जो एक आयतन है उस पर वो विचार आकर टकराता है और साथ में हमारे सोचने की जो क्षमता है, तो मानसिक जो स्पर्श है उसको समझने की जो एक शक्ति है उसे विज्ञान कहते हैं। अलग अलग आयतनों पर होने वाले स्पर्श को समझने की अलग अलग विज्ञान होता है, जैसे सुनने के लिए एक जो क्षमता होती है उसे सुनने का विज्ञान कह सकते हैं, जो सूंघने के लिए एक क्षमता होती है हमारी सूंघने का विज्ञान कह सकते हैं उसे, जो कोई स्वाद लेने का जो हमारे अंदर जो क्षमता होती है उसे एक तरीके का विज्ञान समझते हैं। जैसे हमारे छह आयतन हैं उसी तरीके से छह टाइप के विज्ञान हैं। तो इसका अर्थ है कि इस आयतन जो कान, नाक, आँख, मुंह, त्वचा या बदन, त्वचा ही नहीं पूरे शरीर में अंदर से भी हमें कई बार स्पर्श का अनुभव होता है, और हमारा मन, ये जो छह आयतन हैं इनसे जुड़े हुए छह प्रकार के विज्ञान हैं जो कि इस आयतन पर होने वाले स्पर्श को समझने की क्षमता हमें देते हैं। अगर किसी के पास जैसे देखने की क्षमता नहीं है तो उसका अर्थ है कि उसके अंदर देखने का विज्ञान अभी मौजूद नहीं है, और ये तब भी हो सकता है अगर हम सो रहे हैं, आँख हमारे बंद हैं और हमारे उस समय कोई रोशनी पड़ती है हमें पता नहीं चलता, तो वो विज्ञान उस समय
मौजूद नहीं होता, स्पर्श फिर भी हो रहा है। हमारे जैसे आंख बंद भी होते हैं तो हमारे कोई अगर रोशनी आती है नहीं आती है तो उस समय हमारे हमें पता चलता है अगर हम जगे हुए हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर हम जगे हुए नहीं हैं या तो हमारा वो विज्ञान उस समय जागृत नहीं होता और हम नहीं देख पाते। और जिसके आंखों की रोशनी नहीं होती, जो अंधा होता है, तो उसके अंदर ये विज्ञान मौजूद नहीं होता। तो ये तीन चीजों की जरूरत है स्पर्श होने के लिए। एक आयतन, चलता हुआ आयतन, अगर हमारे पास आंख नहीं है या कान नहीं है तो हम नहीं सुन पाएंगे, तो एक जो हमारे एक शरीर का जो अंश है, और एक विज्ञान, उस तरीके की जो स्पर्श है उसको समझ पाने के लिए एक तरीके का विज्ञान होता है, वो प्रस्तुत होना चाहिए। और एक जो बाहरी दुनिया से या हमारे वातावरण से एक रूप होना चाहिए जो उस विज्ञान और उस आयतन के साथ जुड़कर एक स्पर्श को निर्माण कर सके। जैसे हम बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में हैं और वहां पे कोई रोशनी नहीं आ रही, तो ये जो रोशनी से जुड़ा हुआ जो स्पर्श है, जो हमारे देखने की क्षमता है उससे जुड़ा हुआ जो स्पर्श है, वो स्पर्श नहीं हो पाएगा। अगर हम किसी साउंड प्रूफ कमरे में बैठे हैं और बाहर से कोई भी आवाज आ रही है, कुछ भी शोर मच रहा है, लेकिन वो हमें सुनाई नहीं देगा, क्योंकि जो बाहरी रूप है, जो वातावरण से जो रूप का निर्माण हुआ है, वो हमारे आयतन और हमारे विज्ञान के साथ नहीं जुड़ता। तो तीन चीजें जब जुड़ती हैं, एक हमारे शरीर का वो अंग जो कि इस तरीके की एक स्पर्श को बाहरी रूप को से टकराकर कुछ उसको रजिस्टर कर सकता है, एक आयतन, एक विज्ञान कि जो बाहरी रूप जो है, जो हमारे आयतन पर पड़ा है, आयतन से टकरा है, उसको समझने की जो एक क्षमता है, ये दो चीजें, और जो बाहरी रूप है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं या जिससे ये स्पर्श का निर्माण हो रहा है, ये तीनों चीजें जरूरी हैं ताकि स्पर्श हो। ये तीनों चीजें होती हैं तो स्पर्श होता है। स्पर्श के आधार पर वेदना उत्पन्न होती है। जो वेदना है ये एक बहुत एक फीलिंग है, ये इमोशन की तरह जैसे हम समझते हैं वो वाली फीलिंग नहीं है, ये एक फीलिंग है कि ये जो कि सुखदायक होता है या दुखदायक होता है या न्यूट्रल होता है। तो आपके कोई भी स्पर्श होता है, तो जैसे कोई चीज आप देख रहे हैं या कोई चीज आप सुन रहे हैं या कोई चीज आपके मन में कोई विचार आया, तो वो आपके लिए कितने मायने रखता है उसके हिसाब से आप अपने अपने पास्ट में इस चीज को कितनी इंपॉर्टेंटली ली है, या आपके जो अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं वो क्या सोचते हैं कि क्या ये बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए, क्या ये बिल्कुल जरूरी चीज है, अच्छी चीज है या बुरी चीज है, या बिल्कुल न्यूट्रल सी चीज है, इससे हमें कोई असर नहीं पड़ता। इस तरीके से सबसे पहले एक इस आधार पर हमारे अंदर एक वेदना उत्पन्न होती है। तो ये उस चीज को समझने बूझने सबसे पहले ये सब चीज हो रही है कि कोई भी जो इंस्टिंक्टिव एक फीलिंग हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है कि ये जो चीज हुई तो ये अच्छी है बुरी है। तो जैसे हम एक स्पर्श आप मान सकते हैं कि गर्म तवे पर आपका हाथ अगर लग गया, तो यहाँ पे जो आयतन है ये हमारी त्वचा है या शरीर है, जो बाहरी एक रूप है वो गर्म तवे से जो निकलने वाली गर्मी है, और जो विज्ञान है ये हमारे शारीरिक स्पर्शों को समझ पाने वाली जो क्षमता है वो विज्ञान है। तो ये तीनों चीजें साथ में आई। तो सबसे पहले जो वेदना है वो आती है कि ये एक दुखदायक वेदना है। ये हमारे हमेशा वातावरण में जो चीजें हो रही हैं, तो ये वेदना उस तरीके से उत्पन्न होती है कि जो चीज जरूरी है, जो चीज हमारे जीवित रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है, कि अगर ये हम नहीं ध्यान देंगे तो हमारी मृत्यु हो सकती है या बहुत गंभीर चोट पहुंच सकती है, या फिर हमें कुछ बहुत फायदा हो सकता है, कोई अच्छी चीज हो सकती है। जैसे आप गर्मी से आए, बहुत बाहर गर्मी से आए और अंदर छांव में आ गए या फिर एसी चल रहा हो कमरे में, तो तुरंत एक अच्छी फीलिंग एक जनरेट होती है। ये सिर्फ कहती है कि ये सुखदायक फीलिंग। और ये जो वेदना है इसका काम है कि वेदना एक शुरुआत है जिससे जो कहती है कि अब यहाँ पे अच्छी चीज चल रही है या बुरी चीज चल रही है, इस पे ध्यान दो क्योंकि ये जरूरी है। जैसे हेडलाइंस आप सुनते हैं समाचार में, तो उसी तरीके से वेदना एक हेडलाइन की तरह प्रोड्यूस करती है कि ये बहुत अच्छी चीज हो रही है या गंदी चीज हो रही है,
इस पे ध्यान दो। इसके बाद जो अगला कदम आता है ये हमारे तृष्णा का कदम आता है। तृष्णा क्या कहता है कि तृष्णा अब देखता है एक अगले लेवल की प्रोसेसिंग होती है कि एक वेदना अच्छी निकली या बुरी निकली, क्या इस पे इस समय हमें ध्यान देना जरूरी है। तो तृष्णा कहता है कि ये मुझे पसंद है या मुझे नहीं पसंद है। तृष्णा क्या करता है, तृष्णा आपके जो ध्यान है, आपका ध्यान 10 चीजों पे नहीं हो सकता। जैसे अभी ये जो सत्र चल रहा है इसको सुनते हुए आप एक साथ में गणित का कोई मुश्किल प्रश्न हो ये नहीं कर पाएंगे, या कोई और कोई जो मुश्किल काम हो वो नहीं कर पाएंगे। तो हम ध्यान एक समय पे एक ही चीज को कर सकते हैं, इसका मतलब 10 चीजों पे हम ध्यान दे सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, अभी बारिश हो रही है नहीं हो रही है, पीछे कुत्ता भौंक रहा है, इन चीजों पे हमारा ध्यान जा सकता है। लेकिन एक समय पर अच्छी तरह हम ध्यान एक ही चीज पर दे पाते हैं। तो तृष्णा कहता है कि तृष्णा इसमें सबसे पहले मैं जोड़ने लगता है। जब मैं किसी चीज में जुड़ता है तो उसको हम ज्यादा अहमियत देते हैं, ज्यादा उसके हम ये कहते हैं कि जहां पे हमारा ध्यान है, जहां मैं या मेरे एक अस्तित्व को फायदा है या नुकसान है, उस चीज पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उस चीज पर हम अपना अगला कर्म करते हैं। तो तृष्णा ये काम करता है कि जैसे हमने अगर गर्म तवे पर हाथ रखा तो कहता है कि यहाँ पे तो मुझे चोट लगने वाली है, मुझे पसंद नहीं, वो ये बस ये कहता है कि मुझे पसंद नहीं है, तुरंत कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो तृष्णा वो कड़ी है जो कहती है कि क्या ये चीज मुझे पसंद है कि नहीं पसंद। अभी तक जो थी, जो स्पर्श था, इसमें कोई मैं उपस्थित नहीं था, जो आयतन थे वो भी आपका शरीर है लेकिन उसमें कोई एक मैं का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो विज्ञान है उसमें भी कोई मैं का कॉन्सेप्ट नहीं था। वेदना जो है वो बस कहती है कि ये वेदना दुखदायक है, सुखदायक। तो यहाँ बस ये एक सिग्नल है, ये एक सिग्नल है कि कुछ चीज हो रही है जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो तृष्णा कहता है कि इसमें पहली बार मैं को जोड़ता है कि ये मुझे पसंद नहीं, और मैं जब जुड़ता है तो हमारा ध्यान भी वहां पे आकर्षित होता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पे वो अपने ध्यान को और अपने उस वक्त पे अपने एक निजी अस्तित्व को भी निर्माण करने का आरंभ करता है। तो तृष्णा के बाद अगली जो कड़ी है कि मुझे पसंद नहीं है, वहां उपादान आता है। उपादान में हम अलग अलग ओपिनियंस या व्यूज, अलग अलग चीजों के बारे में जो होते हैं वो सब चीजें जुड़ी होती हैं। उपादान में हम कहानी या एक रैशनल जोड़ना शुरू करते हैं कि मुझे क्यों पसंद नहीं है, या मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ये मेरे लिए अच्छा है नहीं है, इसके बारे में और ज्यादा सोचते हैं, मेरा कब फायदा होगा नहीं फायदा होगा। तृष्णा में इतनी सोच, इतनी कहानियां नहीं जुड़ी होती, तृष्णा बस कहते उसमें मैं जोड़ देता है और आपके ध्यान को केंद्रित कर देता है कि इस चीज पे ध्यान देना ये जरूरी है, ये पसंद है या नहीं, ना पसंद है, वो क्यों पसंद है क्यों नहीं पसंद है, और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए उसके बारे में, ये जो है ये उपादान में होता है। तो उपादान में अलग अलग तरीके के उपादान हो सकते हैं। उपादान एक आप जो अपने एक निजी अस्तित्व का जो निर्माण करते हैं कि यहाँ पे मैं अपने आप को कैसे सोचता हूँ, क्या मैं अपने आप को ये सोचता हूँ कि अरे ये तवे पे जो हाथ लगा है ये तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, कौन है मेरे आसपास जो इतनी लापरवाही से चीजें छोड़ देते हैं, ऐसे अलग अलग हमारे व्यूज या ओपिनियंस के अंदर जा सकता है कि मेरे साथ आज ही क्यों होना था जब मुझे बहुत सारा जरूरी काम है। इस तरीके से जो सोच होते हैं, जैसे ओपिनियन होता है, तो वहां पे एक वो चीजें जुड़ने लगती हैं। इस कड़ी पे जो और ज्यादातर हमारा ये होता है कि यहाँ इस कड़ी के पहले हम समझ नहीं पाते हैं ये जो प्रक्रिया हो रही है। और जब मैं जुड़ता है तृष्णा में और उसके साथ जब कहानियां जुड़ने लगती हैं कि मुझे क्यों पसंद नहीं है, मैं कौन हूँ, मेरा इस पर क्या ओपिनियन है, मेरा क्या विचार है, मेरा क्या अनुमान है, ये सब चीजें जब जुड़ने लगती हैं तो क्या होता है कि वो जो एक स्पर्श हुआ था, एक आयतन, एक विज्ञान और एक बाहरी एक वातावरण से जो एक रूप का जो स्पर्श हुआ था मिलन होके, वहां से अब ये आपकी कहानी बन जाती है। यहाँ जब वो स्पर्श हुआ था तो मैं कहीं और था,
और वो स्पर्श कहीं और था, इनके बीच में कोई ऐसा निजी रिश्ता नहीं था, ये बस एक चीज थी जो वातावरण में हुई। जैसे कोई आप मान लीजिए कि कहीं कोई चीज एक पेड़ से फल गिरा, तो ये आपके वातावरण में हुआ, इसमें आपने मैं नहीं जोड़ा, है ना। तो वो उसी तरीके से ऐसी चीज हुई कि आपका हाथ एक गर्म तवे पर रखा और इसके लिए जो उपयुक्त या जो उचित कर्म था वो था कि आपके हाथ को हटाना। लेकिन हम वहां पे रुकते नहीं है, हर चीज के साथ हम पसंद नापसंद जोड़ते हैं और कहानी उस पर जोड़ते हैं कि अब जिसने भी यहाँ पे तवा, गरम तवा छोड़ दिया मेज के ऊपर, उसको मुझे डांटना जरूरी है कि क्यों किया आपने ये चीज, हर बार ऐसे काम क्यों करते। तो इस तरीके से हमारी कहानी में हम जुड़ जाते हैं। जब ये कहानी में जुड़ जाते हैं तो आगे जो कर्म है हमारे वो भव के ऊपर आधारित होते हैं। तो भव में क्या होता है कि अब हमारी हर चीज, एक हमने सोचना शुरू किया एक परिस्थिति के बारे में, भव में हमारी जो आदतें हैं, तो हर व्यक्ति की अलग आदत होती है। कोई बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, कोई हर चीज को क्षमा करता है, कोई हर चीज में लड़ने को तैयार है, या कोई हर चीज में याद रखता है कि इसका सही समय पर इसका बदला लिया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग हमारी टेंडेंसी होती है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि दूसरा व्यक्ति जो है आपसे कमजोर है, हो सकता है आपकी टेंडेंसी हो कि आप उसको माफ कर दें। ऐसे भी लोग होते हैं जो दूसरा कमजोर है तो उसको तुरंत वहीं पे पनिशमेंट देंगे, उसको परेशान करेंगे, डांट देंगे, जो भी ये करेंगे। या आपसे कोई दूसरा ज्यादा बलवान हो जिसने ऐसे गड़बड़ करा हो इस स्थिति में, तो आप ऐसे ही आपकी टेंडेंसी हो सकती है कि आप अपने एक किस्मत को कोसेंगे कि अरे इनको तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मुझे तो चुपचाप सहना पड़ेगा। या आप ये सोचेंगे कि सही वक्त आने पर मैं भी बदला लूंगा, या मैं छोड़ देता हूँ इनको चोट लगे अगली बार। इस तरीके से बहुत सारी हमारी टेंडेंसीज होती हैं। तो ये टेंडेंसी कौन सी उस समय हम करें, और जरूरी नहीं है कि एक स्पर्श पर एक ही टेंडेंसी हम हमेशा करें, अलग अलग समय पर अलग अलग हमारे तरीके से उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, चीजें क्या चीजें बीती हैं, उस क्षण में क्या चीज बीती है, उससे पहले क्या चीज बीती है, हमने कब खाना खाया, खाना खाने अच्छा खाना था नहीं खाना था, रात को ठीक से सोए नहीं सोए, हमारा बचपन कैसे बीता था नहीं बीता था, ये बहुत सारी, हमारे माता पिता कौन है, उनकी क्या आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक कड़ी हमने शुरुआत में बोली थी संस्कार। तो संस्कार में ये सारी चीजों का जो असर होता है, ये सारे पुराने कर्म जो हमने करे होते हैं, हमारे साथ हुए होते हैं, इन सब का जो असर होता है वो उसमें जुड़ा होता है। तो हमारे जो सोचने के तरीके होते हैं, उपादान या जो भाव है, ये सारी चीजें उस एक आधार पर बनती हैं, उस तरीके से निर्माण होते हैं कि अभी इस समय ये स्पर्श हुआ तो क्या मेरी टेंडेंसीज होंगी, कैसे मैं सोच सकता हूँ। और उसके बाद हमारे कर्म होते हैं। जो जाति है वो एक कर्म का जन्म है। तो ये कर्म जो है ये मानसिक हो सकता है, ये कुछ हम कह सकते हैं अपने आप से, मन में भी कह सकते हैं, या अपने मन में कुछ सोच सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में, अच्छा बुरा, या इसके से कैसे पेश आना है, ऐसे सोच सकते हैं। और ये इस तरीके के हमारे कर्म हो सकते हैं, या कुछ बोल सकते हैं हम, या शारीरिक कुछ कर्म कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है, जब बात ये पूरी शुरुआत हुई थी कि हमने साधना का आलंबन लेकर बैठे थे और तुरंत हम कुछ और चीज, कल मुझे क्या काम करना है, इस पर सोचने लग गए। तो यही हुआ था कि क्या हुआ था, इसके पहले आपके मन में कुछ स्पर्श हुआ था, या तो बाहर से कुछ स्पर्श हुआ, या तो बाहर आपके काम से कुछ जुड़ा हुआ कोई शोर मचा, जैसे कि पंखा ठीक करवाना है अपने, कल ये काम था और पंखे की आवाज आने लगी उसमें कि जंग लगा है, जो भी लगा है, तो वहां से ये स्पर्श आरंभ हुआ हो सकता था। या फिर आपको कुछ, आपको कोई असाइनमेंट देना है अगले दिन, तो उसके बारे में कहीं 10 बार आप याद कर चुके हो आज के दिन में, तो हो सकता है एक मानसिक स्पर्श उससे उत्पन्न हुआ हो। या फिर कहीं कुछ खाने की महक आई हो और आप, ऐसा हो सकता है उस स्पर्श से ये उत्पन्न हुआ हो कि अच्छा मुझे तो बहुत तेल वाला खाना खा रहा हूँ फेस्टिवल सीजन में, अब मुझे थोड़ा अपना वजन कम करना पड़ेगा, इस टाइप का विचार हो सकता है कहीं भी। तो एक वो स्पर्श से, किसी भी टाइप का स्पर्श हो सकता है जिससे वो विचार उत्पन्न हुआ हो। और जो जिस चीज पर आपका तृष्णा जुड़ा, तृष्णा ने कहा कि मुझे ये पसंद है या मुझे नहीं पसंद है, तो वहां से ये आगे जो, जैसे तृष्णा ने कहा कि अभी कुछ पकौड़े तले जा रहे हैं ये मुझे पसंद है, तो वहां से शुरू हुआ। फिर आपके व्यूज आने लगे कि ये तो मुझे हमेशा ही, मुझे बचपन से पसंद है। फिर आपने ये सोचना शुरू किया लेकिन ये तो ज्यादा खा के अब मैं, वजन बढ़ रहा है मेरा,
तो इस तरीके से हमारे सोच बढ़ते रहते हैं, और हर एक जो सोच होते हैं उसमें भी कई बार मानसिक कर्म हो सकते हैं जो कि अलग एक प्रक्रिया को आरंभ कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमें ज्यादातर जब पता चलता है तब उपादान भाव जाति उस समय हमें पता चलता है कि अभी हमारे मन में क्या क्या कहानियां चल रही हैं, क्या क्या विचार चल रहे हैं, तब जाके हम पहचानते कि अरे हमारा ध्यान तो कहीं और चला गया। लेकिन क्या होता है, दिक्कत क्या होती है, साधना के समय हम फिर भी हमें पता है कि छह कदमों हम अभी हम दूसरा कदम इसलिए कहते हैं रहने देते हैं कि अभी निर्णय करते कि अभी इस चीज पर ध्यान देने का समय नहीं है, इस समय साधना करने का समय, तो हम उससे वापस निकल आते हैं। लेकिन आम जीवन में ये हो नहीं पाता क्योंकि हम ये रिलीज स्टेप नहीं कर पाते हैं, छह कदमों का प्रयोग नहीं कर पाते, तो वहीं पे हम अटके रहते हैं और उसके आगे जो चीजें होती हैं बस हम एक जैसे एक स्लाइड होता है वो स्लाइड करते जाते हैं हम कि वही चीज होती रहे। तो इसलिए छह कदमों के प्रयोग से हम क्या क्षमता बनाते हैं, छह कदमों के प्रयोग से जब हम पहले पहचानते हैं कि हमारा मन कहीं भटक गया, फिर हम रिलीज करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये निर्णय हम आम जीवन में कई बार नहीं ले पाते हैं कि इसको अभी ध्यान का पोषण नहीं देंगे। तीसरा जो कदम है जब हम रिलैक्स करते हैं, ये जो तनाव खिंचाव है ये तृष्णा का लक्षण है। तो तृष्णा वो चीज है जहां पहली बार जिस कड़ी में आपका मैं घुसा, और तृष्णा वही चीज है जो आपके ध्यान को उस विचार पर केंद्रित कर रही है कि ये चीज जरूरी है, बाकी सब चीजें छोड़ो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे, अभी इस चीज पर ध्यान दे। तो इस समय आपको आपने बिल्कुल जो एक स्पर्श था, जो आप थे, जिसके बीच में एक फासला था, ये फासला खत्म होने लग गया, ये बिल्कुल एक साथ जुड़ गए कि मुझे ये था कि पहले अगर आप ये समझ सकते थे कि एक स्पर्श हुआ है, अब ये हो गया कि ये मुझे पसंद है कि नहीं पसंद। इस कहानी से निकलना, इस कहानी को आगे बढ़ने देते हैं तो इससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो जब छह कदमों का हम प्रयोग करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो ना केवल हम इस तृष्णा को हम शांत करते हैं और फिर अच्छे अब मन को उत्कृष्ट करते हुए वापस अपने साधना के आलंबन पर लेकर आते हैं, लेकिन इससे हम ये भी क्षमता बढ़ाते हैं कि जब जब हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न होती है तो उसको हम पहचान पाए कि कहीं हम बिल्कुल नाराज हैं, कुछ चिल्लाने वाले किसी के ऊपर, लेकिन साधना कर 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 अभ्यास करके हमें बिल्कुल अब परिचय हो गया है कि हमारे मन में कब तृष्णा उत्पन्न होती है, कब वो तनाव उत्पन्न हो रहा है, और हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये तनाव जब उत्पन्न होता है उसके बाद हम चीजों को निजी लेना शुरू करते हैं, हर चीज को अपने मान अपमान, अपने सुख दुख और अपने फायदे नुकसान के हिसाब से हम सोचना शुरू करते हैं। तो छह कदमों का जैसा प्रयोग करते रहेंगे तो ये तृष्णा जब आरंभ होता है इस चीज को हम पकड़ पाते हैं, और आगे ये जो उपादान भव में जाने के जगह और इसको निजी समझने के जगह हम अपने जो संस्कार हैं, समझ हमारी वही है, वही चीजें हम जानते हैं तो पहले अभी भी जानते हैं, लेकिन हम चीजों को बहुत निजी लिए बिना हमेशा हर चीज को अपने फायदे नुकसान मान अपमान के मुद्दे को बनाए बिना हम एक ऐसा उपयुक्त या उचित कर्म कर सकते हैं जिससे हमारा ही नहीं, हमारे वातावरण में जो और अन्य लोग हैं उनका भी भला हो सके। जब ये चीज करते हैं तो हमारा मन, जो हमारे संस्कार है, वो बदलते हैं, वो ये समझते हैं कि हर चीज को निजी बनाकर हर चीज पर लड़ मरना आवश्यक नहीं है, और आगे जब हमारे जब स्पर्श होता है तो उसी तरीके का अगर स्पर्श होगा तो हमारी एक नई आदत बनने का आरंभ हो गया, जिसमें हम चीजों को बहुत ज्यादा निजी नहीं लेते बल्कि ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे लिए ही नहीं दूसरे के भी भले के लिए हो, और ऐसा काम जब हम करते हैं तो इसके वजह से आगे हमारे और अन्य लोगों के बीच में फ्रिक्शन भी कम होता है, हम अपने लिए दुख कम उत्पन्न करते हैं क्योंकि हमने उस अपने जीवन मृत्यु, अपने सुख दुख, अपने फायदे नुकसान मान अपमान ये चीजों को हमने एक चीज से नहीं जोड़ा, तो उस चीज में हमारे लिए दुख उत्पन्न करने की क्षमता भी उतनी कम हो जाती है। तो छह कदमों का प्रयोग करके जो हम स्मृति की बात करते हैं कि अपने मन की प्रक्रिया के बारे में जागृत रहना, तो ये उसी से जुड़ा है तृष्णा, और भगवान बुद्ध भी चार आर्य सत्यों में इसलिए तृष्णा का खासकर जिक्र करते हैं क्योंकि ये वो कड़ी है जिसे हम पहचानने की क्षमता बना सकते हैं, जिसका एक बिल्कुल एक ऐसा लक्षण है जो कि हम पहचानने की अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं, और ये वो कड़ी है जहां पर हम अगर इसको थोड़ा शांत कर लें तो एक जो परिस्थिति है उसको बिल्कुल निजी या एक बिल्कुल अपने से जुड़ा हुआ ना समझकर एक जो उचित कार्य है वो हम उस परिस्थिति में कर सकें।
तो ये एक आज मैं थोड़ा बताना चाह रहा था कि कैसे प्रतीत्य समुत्पाद का हमारे साधना से क्या लेना देना है, कि कैसे हम हमारी साधना में हम इसके बारे में ज्यादा समझ सकते हैं, ज्यादा सीख सकते हैं, ज्यादा जागृति पा सकते हैं और अपनी स्मृति और जीवन में कर्म करने की कुशलता कैसे बढ़ा सकते हैं। आज का समय समाप्त हो गया, इसके बारे में कुछ प्रश्न अगर आपको पूछने हैं तो दो अभी तुरंत पूछ सकते हैं, लेकिन वरना हम प्रार्थना करके आज का ये क्लोज कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, 5-10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं। ये काफी जरूरी शिक्षा है और इसी से जुड़ा हुआ है, सारे हमारे सुख दुख की निर्मिति जो है इसी प्रोसेस से जुड़ी है और उससे जो मुक्ति पाने का जो तरीका है यानी तृष्णा की समाप्ति का, वो भी इसी चीज से जुड़ी है। तो ये बहुत जरूरी विषय है, कुछ सवाल पूछना चाहें कुछ। और अगर अनम्यूट करने में कठिनाई हो रही है तो बता दीजिए। किसी का प्रश्न है? हेलो। हाँ जी दिनेश जी, ये जो आपने बताया कि तृष्णा उत्पन्न होती है उसके बाद अपना भाव चलता है, तो जब मैं अभी साधना कर रही थी तो मुझे तो लगता है वेदना जैसे दर्द हो रहा था या कुछ भी है, हो रहा था, इसके बाद जो तृष्णा उत्पन्न हुई तो उसको जो हमने रिलैक्स किया तो जैसे पूरे तरीके से तो वो रिलैक्स होता नहीं है, कुछ मात्रा में रिलैक्स होता है लेकिन कुछ मात्रा में वो चीज रह भी जा रही, लास्ट में हो रहा था पूरा, लेकिन शुरू में तो वो पूरे तरीके से जैसे कोशिश भी कर रहे थे तो पूरे तरीके से रिलैक्स नहीं हो पाता है, तो ये थोड़ा सा बताएंगे कि? हाँ, तो मतलब 6 कदम जो है ना, ये एक वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है कि तृष्णा को नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपने धीरे धीरे अपनी जागरूकता बढ़ानी है, अपनी कुशलता बढ़ानी है, ठीक है। तो आप आपको जब लगे कि पूरा शांत भी हो गया तभी वो पूरा शांत नहीं होता है, कहीं ना कहीं। लेकिन ऐसा है कि ज्यादा जितने हमारे कर्म ज्यादा अच्छे हो सके उतना, जितना हम चीजों को ज्यादा निजी ना ले पाए, अपने दुख की तरफ उसको ना बढ़ा पाए, तो उसमें कुशलता है। तो धीरे धीरे आप करते रहिए, सारे समय आप और तृष्णा आप का जो निर्मिति होती है मन में उसको समझना शुरू कर पाएंगे। एक बार में आप रिलैक्स करिए, बहुत देर आपने लड़ना नहीं है उसके साथ, रेसलिंग मैच नहीं है कि ये तृष्णा कर खत्म करके ही आगे चलेंगे। तो उसको तो जितना थोड़ा हल्का हो जाता है आप वापस जाइए, जब तक वो तृष्णा आपके ध्यान को नहीं ले जाती। वो हमारे लिए जरूरी है कि अगर आपका ध्यान उस कृष्णा ने आपके ध्यान को किसी और चीज में केंद्रित कर दिया तब हम वापस लेकर आए। अगर वो विचार जो है जो स्पर्श हुआ था अगर वो दोबारा उसको ले जाता है तो दोबारा आप वापस लेके आए। लेकिन जब आसानी से बिना लड़े झगड़े बिना किसी स्पर्श या किसी विचार से झगड़े हुए अगर आपका ध्यान एक उत्कृष्ट जगह पर रह पाता है तब उसका अर्थ है कि उस कृष्णा ने आपके ध्यान को अभी केंद्रित नहीं किया। किसी भी समय 50 चीजों की वजह से आपके मन में तृष्णा होगी, है ना, कि 50 विचार हो रहे होंगे लेकिन हर विचार पर आपका मन नहीं जाए। जिस चीज में सबसे ज्यादा निजी तरीके से तृष्णा जुड़ता है, जिस चीज में सबसे ज्यादा फायदा नुकसान समझता है वो उस समय, है ना, तो हिसाब से वो उस चीज पर अपने ध्यान को केंद्रित कर देता है। पर राजीव जी, एक ये जरूर फायदा हुआ क्योंकि जब मैं जा रही थी तभी आपका शुरू हो गया था ना, तो ये मुझे ध्यान में आ रहा था जब मैं इसको रिलैक्स कर रही थी कि मेरे कौन से कुशल कर्म के कारण ये इस तरह का उत्पन्न हो रही है वेदना, ये एकदम मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि इस कर्म का ये परिणाम मुझे आ रहा है और ये कर्म मुझे सुधारने तो ऑटोमेटिक वो चीज, ये एकदम सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा था, ये सुन रही थी मैं जब गई थी तो ये बहुत ज्यादा फायदा हुआ मुझे इसका। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने ममता जी। तो इसलिए जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि जो विचार आते हैं, जो अड़चने आती हैं, ये हमारे शिक्षक हैं,
ये बताते हैं कि हम किन चीजों को निजी लेते हैं, किन चीजों से जुड़े हैं, किन चीजों में अपना मान अपमान सुख दुख जोड़ते हैं और उससे हम उत्तेजित हो जाते हैं। तो और उससे जब जुड़े हुए कर्म होते हैं वही हमारे सबसे ज्यादा दुख की तरफ हाँ योगदान करते हैं। तो जो भी आपके मन में विचार उत्पन्न होता है, जो जिस जो आपका अगर आपका ध्यान केंद्रित हो गया उस पर, जिस विचार पर आपका मन अटक गया ना, इसका अर्थ है कि उससे आपने बहुत निजीपना जुड़ा हुआ। तो आप अपने लिए जरूरी समझते हैं, क्यों समझते हैं, नहीं समझते हैं, हर बार हमें नहीं समझ में आता कि ऐसे ये जो लिंक बना है वो कैसे बना है। ये हर चीज हम अपने मन में सोच के नहीं समझ पाते, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है कि आपके बचपन में किसी ने बहुत बढ़िया पकौड़ा खिला हुआ, आपको लग गया कि अब ये मुझे पसंद है, आपको पता नहीं कि वो कहाँ से आया है। कई बार समझ में आता है, लेकिन ये बताता है कि आपका एक जुड़ाव कहाँ पे, आपका अटैचमेंट कहाँ पे। और ये जब चीज हम समझ पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे ऊपर मिलती है कि इस चीज में बार बार एक जो खाई है, हम अगर अपने जीवन को थोड़ी दूरी से देखेंगे तो हमारे जीवन में 50 खाई होते हैं जिसको हमेशा हम उसकी सैर करने जाते हैं। उस खाई में गिरना जरूरी है, उस खाई हमें पता है वो खाई है, हम हमें पता है कि उसे बिना उस खाई में गिरे हुए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उस खाई में हम डुबकी जरूर लगाएं। तो ये जो खाई है जिसमें हम कॉमनली जाते हैं, जो एक ही जो थिंकिंग पैटर्न होता है रेपिटेटिव कि इसने मेरे साथ ऐसे क्यों कहा, ये हमेशा मुझे ऐसे ही कहता है, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, ये इस तरीके के जो सोच होते हैं, ये हमारे साधना में भी जब आते हैं तब हमें पता लगता है कि यहाँ तो अगर हमारी यहाँ पे तृष्णा केंद्रित हो रही है तो इसका अर्थ ये है कि इससे बहुत हम जुड़े हुए हैं। ये हमें बताता है। और ये जब शिक्षा हमें मिलती है साधना में तो आप अपने दैनिक जीवन में ज्यादा चौकन्ने हो सकते हैं कि ये जब चीज होगी अगली बार क्यों ना मैं अपने मन में तृष्णा कम करूं, 6 कदमों का प्रयोग करूं और कुछ अलग करूं, अपनी आदत को बदलूं। बिल्कुल 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 दिनेश जी, कुशल कर्म बढ़ाने का बिल्कुल प्रेरणा मिलती है और समझ भी विकसित होती है कि कुशल कर्म बढ़ना चाहिए जीवन में। और कोई प्रश्न हो गया? आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न ले सकते हैं, उसके बाद प्रार्थना करके आज का सत्र समाप्त। ठीक है, बाकी अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे या ईमेल पे भी भेज सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब प्रार्थना आप आरंभ कर सकते हैं। दुख ग्रस्त हो दुख मुक्त, भय ग्रस्त हो भय मुक्त, शोक ग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी, हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी दे दे उसे अनुमोदन, आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन, चिरकाल रखें बुद्ध शासन। साध साध।